हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही यूपी स्टाइल एक रूममेट है जो बना रही है बहुत ही मज़ेदार पराठा जो इजली बन जाता है। एक बार में दो बनते हैं पराठे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। मैं भी सीख रही हूँ तो मैंने सोचा आज आपको भी दिखाती हूँ। तो देखो, इधर आटे हैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका देखा होगा कैसे इन्होंने बड़े ही स्टाइल से लोहिया काटा था। अगर किसी का हाथ दर्द कर रहा हो तो वैसे कर सकता है, ठीक है। देखो तो ये बन रहे हैं लोहिये आटे के। हाँ जी, ये हो गया। और इन्होंने गैस फ्लेम हाई है और ये है रिफाइन ऑयल, ठीक है। गंदगी भी मत जाइएगा, इसमें थोड़ा सा वो बना हुआ था तो ये डाला गया है फिर से इसमें, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा लग रहा है। और ये दूसरे किसी ने बना लिया है पीजी में, इसलिए ये गंदा दिख रहा है आपको। तो हमारे बारे गंदी गंदी बातें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने गंदे में खाना बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये किचन जो है हमारा स्पेशल नहीं है, कॉमन किचन है, ठीक है। तो देखो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वाह, दो दो लो ये एक साथ, देखो भैया, वाह 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 वाह। देखो इन्होंने छोटे छोटे लोहिया बना लिया है। अब इस पे लगा रही हैं रिफाइन, ठीक है, रिफाइन लगा लिया इन्होंने। वाह, एक के ऊपर एक इन्होंने रख दिया लोहिये को, ठीक है। ये एक रोटी नहीं बनेगा, ठीक है, दो रोटी बनेगा, ये दो रोटी बनेगा ना। हाँ अच्छा, तेल मतलब एक साइड पकेगा एक साइड नहीं पकेगा, दोनों साइड पकेगा। अच्छा, दोनों साइड सीखेगा। हाँ अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा? ये मैंने घर पे सीखा मम्मी से। अच्छा, छलनी नहीं लाई है आपको पलटने के लिए? नहीं, मेरा हाथ ही काफी है। अच्छा, हाथ ही काफी है, देख लो भैया। देखो तब तक वो हो रहा पक रहा है, तब तक ये दूसरी बना रही है, तैयार कर रही है, ठीक है। मम्मी को देख देख करके सीखा ऐसा बनाने को। अच्छा, देखो अब वो पक चुका है, इस पर रिफाइन लगा रही है ये। वो पलटने वाला लाना चाहिए था, हो जाएगा, हाथ से ही पलट जाए। देखो रिफाइन लग गया है। अच्छा, अंदर वाला को सीखा नहीं जाएगा? नहीं। अच्छा, तो वो पका रहा, पका? हाँ, पक जाएगा, पक जाएगा। भाई बहन, छलनी ला लो, वो जो पलटने वाला हाथ जल जाएगा ना। जलेगा नहीं। अच्छा, इसके फायदे क्या है ऐसे बनाने के? ऐसे टाइम कम लगेगा। अच्छा, जल्दी बन भी जाए। तो वो कच्चा रहेगा एक साइड, तो वो हानि नहीं करेगा? कच्चा नहीं होगा, वो अच्छा पक जाएगा, वो अपने आप ही पक जाएगा। हाँ। अच्छा, इसके नुकसान नहीं होते हैं? नहीं, नुकसान करेगा ही। ओके, वो जलेगा, ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही नज़दीक से, देखो बड़ा हो गया। ये ऐसे है लेकिन ये कच्चा नहीं है, ठीक है। ये जैसे रोटी का अंदर वाला पार्ट होता है ना, वैसा ही है ये। और बाद में देर से खाने में भी वो नरम रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा बनाती हैं। तो दोनों तरफ सीख चुका है और ये बीच वाला जो है वो भी पक चुका है। तो चलिए, आप लोगों को मैं कितना पूरा थोड़ी ना दिखाऊंगी, बस आप ट्राई कीजिए। और जो पराठे जो एकदम सिक के कड़कड़े हो जाते हैं, वो हवा लगा हुआ पापड़ बन जाते हैं, जैसे रोटी बन जाती है चिमर चिमर, वो ऐसे नहीं लगता होगा, है ना। हाँ, ये नरम रहता है। सो नेक्स्ट ये बना रही हैं। सो थैंक यू।
बनाने के लिए सामने, और मैं आप लोगों को भी दिखा दी। सो अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो तो फिर बनाइए, खाइए, मौज कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।